उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बुधवार को हुए एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को गम में बदल दिया। जिस घर से बारात निकलनी थी वहाँ से दूल्हे की अर्थी उठी तो हर आंख झलक उठी। शादी को लेकर घर में गाए जा रहे मंगल गीत पलक झपकते ही मातम में तब्दील हो गए। रिश्तेदार और ग्रामीण दुखी परिवार को सद्भावना देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। दरअसल मैनपुरी के घिरौर क्षेत्र के गांव नगला मान निवासी प्रमोद यादव के 22 साल के बेटे अनुराग यादव की बुधवार को बारात जानी थी। घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। बारात की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। घर में महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। अचानक एक हादसे ने शादी वाले घर का माहौल बदल दिया। दरअसल बारात वाली सुबह अनुराग अपने भाई अनुज और एक रिश्तेदार के साथ हैंडपंप की मरम्मत कर रहा था। लोहे का पाइप बाहर निकालने के दौरान ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से छू गया। तभी करंट लगने से दो सगे भाइयों सहित तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अनुराग को करंट लगने के बाद जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर घर पहुंची तो कोहरा मच गया। मंगल गीत चीख पुकार में तब्दील हो गए। परिजन अनुराग के शव को लेकर घर पहुंचे तो पिता प्रमोद खुश हो बैठे। जिस बेटी की शादी को लेकर कुछ देर पहले तक वह उत्साहित थे अब उस बेटी की अर्थी को कंधा देना था। ग्रामीण और रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। जवान बेटे को खोने के बाद प्रमोद की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं होने वाली दुल्हन भी शादी को लेकर सपने सजोए हुई थी। गाँव मधुपुरी में जब दूल्हे की मौत की खबर पहुंची तो हर कोई सतर्क रह गया। दुल्हन पक्ष की ओर से बारात की आवभगत की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजी थी। यहां भी मंगल गीत के साथ को पूरा किया जा रहा था। अनुराग की मौत की खबर से दुल्हन के हाथ में सजी मेहंदी आंसुओं से धुल गई। बेटी पर शादी से पहले कोई लालचन न लगे इस बात का भी डर दुल्हन के परिजनों को सता रहा था। दुल्हन के परिजनों ने उसी समय आनंद फानंद में दूसरे दूल्हे की तलाश शुरू की और मैनपुरी के घिरौर क्षेत्र के एक गाँव में एक परिवार लड़की से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद युवती की तय समय में शादी हो गई। रात में ही शादी की सभी रस्में पूरी की गई और सुबह होते ही दुल्हन की ससुराल के लिए विदाई कर दी गई। तो वहीं अनुराग की मौत के बाद पिता प्रमोद मानो सुधबुध हो चुके हैं। एक साल पहले ही उनकी पत्नी गीता की भी मौत हो गई थी। वहीं बुधवार को हादसे में अनुराग की अचानक मौत हो गई। घर में प्रमोद के अलावा पुत्र अनुज ही बचा है। अनुराग की मौत से अब गांव में मातम पसरा हुआ है। हैंडपंप को सही करने के चक्कर में खराब पड़ा था, उसके चक्कर में सही कर रहे थे और हमारे यहाँ ऊपर घर के ऊपर 11,000 की लाइन के कारण कुछ बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से तार नीचे थे, उसके कारण वो घटना घटित हुई है। अच्छा, जो लगे थे इनमें शादी, अनुराग की शादी की सब तैयारियां थी और उसी के चक्कर में हैंडपंप सही कर रहे थे। हाँ, बारात कब जानी थी? आज। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हमारा पता है गंगानगर बुलंदशहर।